नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। ऑर्डर ऑर्डर, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मुलजमा नताशा जो इस वक्त मुलजमों के कटघरे में खड़ी हैं, इन्होंने जुर्म के इतिहास का सबसे घिनौना अपराध किया है। पहले तो उन पांच शरीफ इंसानों की बीवियों, बहनों और बेटियों को उनके घर से अगवा करवाया, तो उसके बाद अपनी आंखों के सामने उनका बलात्कार करवाया। और फिर जब उन पांच शरीफ लड़कियों ने आत्महत्या कर ली तो उनकी लाशों को समुद्र में फेंकवा दिया। मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है जज साहब कि इस मुलजमा नताशा को कम से कम फांसी की सजा दी जाए। मुलजमा नताशा, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? योर ऑनर, अपना जुर्म कबूल करने से पहले मैं अदालत को यह बताना पसंद करूंगी कि जिन पांच शरीफ इंसानों ने मुझ पर बलात्कार करवाने का और कत्ल करने के इल्जामात लगाए हैं, उन लोगों की असलियत क्या है? मिलॉर्ड, विक्रम सिंह, शमशेर सिंह, डीडी सेठ और इंस्पेक्टर कानूनगो, ये चार आदमी और वो बैठी हुई औरत है ना मैडम जेसिका, ये पांचों खतरनाक जंगली दरिंदे हैं। इन पांचों ने रेशमा की इज्जत को बार बार लूटा और लुटवाया। अगर मैंने रेशमा का इंतकाम ले लिया तो क्या गुनाह किया? क्या इन लोगों की इज्जत इज्जत है और रेशमा की इज्जत पान की वो गंदी पीक थी जिसे इन पांचों ने बदनामी के उगलदान में थूक दिया? मुलजिमा नताशा, अदालत ये जानना चाहती है कि मरहूम रेशमा का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता था? जज साहब, रेशमा मेरी बहन थी, हम दोनों बहनें बचपन से ही अनाथ थीं, इसलिए मैंने रेशमा को गांव के रिश्तेदार के पास भेज दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं रेशमा की दास्तान इस अदालत के सामने पेश करना चाहूंगी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, रेशमा की कहानी नताशा कैसे कह सकती है? क्योंकि रेशमा को बर्बाद करने के बाद इन लोगों ने उसे मार डाला, लेकिन जज साहब, मरने से पहले मेरी और रेशमा की मुलाकात हो चुकी थी, तब उसने अपनी दास्तान की एक एक सच्चाई मुझे बताई। ये अदालत तुम्हें रेशमा की पूरी कहानी सुनाने की इजाजत देती है? जज साहब, रेशमा की दास्तान मोतीपुर गांव से शुरू होती है। गांव की हवाओं में रेशमा पली, बड़ी, जवान हुई, तब वहां पर विक्रम सिंह आया और उसने रेशमा से मीठी मीठी बातें करके प्यार के जाल में फंसा लिया और फिर शादी करके शहर ले आया। अरे रेशमा, ये क्या कर रही हो? कितना लचकदार गद्दा है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी कमर की तरह। मजाक करते हो। अच्छा एक काम करें, अपन सुहागरात मनाना शुरू करें। हाँ हाँ करते हैं ना, लेकिन ये तो बताओ सुहागरात में मुझे करना क्या पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना जाने मन, तुम आंखें बंद करके लेटी रहना, जो करना है मैं करूँगा, ठीक है? अरे ये क्या कर रहे हो, बड़े बेशर्म हो। बड़ी भोली हो रेशमा तुम, क्या पति पत्नी कपड़े पहनकर भी कभी सुहागरात मनाते हैं? तुम्हें कभी तुम्हारी सहेली ने सुहागरात के बारे में बताया नहीं क्या? नहीं, जया ने थोड़ा थोड़ा कहा था। क्या कहा था? यही कि सुहागरात वाले दिन पति जो करे उसे करने देना, नहीं तो गोद में बच्चा नहीं खेलेगा। तो फिर तुम भी जरा अपने कपड़े। मुझे शर्म आती है। बड़ी भोली हो तुम रेशमा, अजीब बुद्धू हो। चलो जल्दी करो, मैं जरा अभी आया।
और मेरे साथ बिस्तर पे कौन था? कौन था ये? कौन है ये? हम भी कोई गैर नहीं जाने मन, हम भी आपके चाहने वालों में से एक हैं। हट, ये अपन का पुराना धंधा है जाने मन। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हट, शादी तूने मुझसे की और सुहागरात किसी और से कराई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जानती है, लेडी सेठ ने मुझे पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। एक काम कर, ये 10,000 रुपए तू भी रख ले। तूने मेरे से बात कर दी। लड़की, यार विक्की, तू भी कबाब में हड्डी बनकर यहां आ गया। खैर कोई टेंशन नहीं, इससे पहले कि इस लड़की को होश आ जाए, तू इसे लेकर यहां से रफा दफा हो जा। जल्दी कर, जा जल्दी। मिलोर्ड, वो जो पहले नंबर पर बैठा है ना, वही है रेशमा पति विक्रम सिंह। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, मेरी मुलजमा नताशा से दरख्वास्त है कि ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्योंकि उसने दलाली खाई और रेशमा को वो जो सामने दो नंबर पर बैठा है ना, डीडी सेठ, उसके साथ सुलाया था। जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। आपको जो कुछ भी कहना है इस कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस शहर का बाइज्जत शहरी आदमी हूं। मैं किसी भी रेशमा नाम की लड़की को नहीं जानता। अगर इन्होंने मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं इन पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। माय लॉर्ड, दरअसल रेशमा नाम की लड़की का कोई वजूद ही नहीं है। इस बात का फैसला आप नहीं, यह अदालत करेगी। हाँ तो नताशा, आगे क्या हुआ? उसके आगे ए भेड़ो, तेरी इस छोरी का क्या नाम है? क्या मैडम जैसी का, अब उनका पहली बार इधर छोरी लेकर आए जो तुम दाम पूछ रही है? कोरी छोरी का कितना देती हो तुम, उतना ही दे डालो। ए भेड़ो, नो चूना लगाना, नो हराम का खाना। क्या मैडम, ये क्या बंकस कर रही हो? हराम का एक पैसा भी अपन को नहीं मांगता क्या? तूने मुझे बेवकूफ समझा क्या? मैंने तेरी छोरी को सुना, तूने इसे पहले किधर बेच दिया था। अरे मैडम, झूठ बोलती है छोरी, पाक धंधे की कसम, आज तक किसी ने छुआ तक नहीं उसको। हेलो, महिला उद्धार केंद्र। हाय, मैं मर जाऊं तुम्हारे इस चालबाजी पर मैडम जेसिका। खोल रखा है याशी का अड्डा और नाम रखा है महिला उद्धार केंद्र। दीदी, ये सब नाटक तो करना ही पड़ता है। तुम भी तो प्लास्टिक फैक्ट्री चलाते हो, उसमें दो नंबर का माल भी तो बनाते हो। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था मैडम, तुम खामखा बुरा मान गई। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पास कोई न्यू ब्रांड आइटम है मेरे लिए? टीडी सेठ, इस महंगाई के जमाने में ब्रांड न्यू आइटम मिलता कहाँ है? क्यों नहीं मिलता मैडम, अभी कल रात तुम्हारे विक्की दल्ले ने मुझसे 50,000 रुपए लेकर प्योर माल सप्लाई किया था मुझे। टीडी सेठ, मैं तुमको बाद में फोन करती हूँ। क्यों भाई दल्ले, मैडम जेसिका को तो पानी कम चाय समझता है। माल सप्लाई करता है सेकेंड हैंड और दाम मांगता है फर्स्ट हैंड माल का। वाह उस्ताद विक्रम सिंह, वाह। मैंने तो सुना था कि सांप कभी अपने बिल में टेढ़ा नहीं घुसता, मगर तू तो ऐसा सांप निकला जो अपने ही बिल में टेढ़ा घुसने की कोशिश कर रहा है। पाक धंधे की कसम बाप। नो पाक धंधे की कसम खाना एंड नो चूना लगाना। साला दल्ला बीवी को बेच कर पैसे कमाता है और पाप धंधे की कसम खाता है। नहीं खाएगा बाप, नहीं खाएगा। अभी जो देना है दो और बात को यही खल्लास करो। शमशेर दे दो इसे। ये लो। अपन को अपना माल मिल गया, अभी अपन कल्टी होता है। मगर एक बात का ध्यान रखना मैडम, वो छोरी है ना जंगली बकरी है, जंगली बकरी, और जंगली बकरी के सींग बहुत नोकीले होते हैं।
मैंने न जाने कितनी जंगली शेरों के जबड़े फोड़ डाले, फिर इस जंगली बकरी के सिंह तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। चल फुट ले। चलता हूँ मैडम, चलता हूँ यार। बेबी डार्लिंग, लेट्स गो। लेट्स गो। ये क्या कह रही हो तुम? विक्रम ने मेरी तरह तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ रेशमा, फिर मैं इस कैद से कभी निकल न सकी। तुम्हारी भी भलाई इसी में है कि तुम भी हालात के साथ समझौता कर लो। काश ऐसा मैं कर सकती। नारी उद्धार केंद्र। हाँ, नारी उद्धार केंद्र बोला तो मैं समझ गया कि मैडम जेसिका फोन पर आए। हाय मिस्टर लांबा, कहिए आपकी तबीयत पानी कैसी है? तबीयत पानी तो तब अच्छा होगा, आप हमारे लिए कुछ माल मसाला भेज दीजिए। तो बोलो कब भेजूं? अभी 5 मिनट में। इतनी जल्दी? हाँ मैडम, मरीज गैस पर आए, अलंकार होटल, रूम नंबर 302। ओके शमशेर। यस मैम। कम ऑन बेबी। बताओ तुम में से कौन सी लड़की नीग्रो मिस्टर लांबा के पास जाएगी? मैडम मुझे तो माफ करना, क्योंकि पिछली बार जब मैं मिस्टर लांबा के पास गई थी उसके बाद मुझे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। हाय मैडम, मैं जाऊं क्या? मैं जाऊं? रेशमा, तुझे इस नर्क से बाहर निकलने का एक मौका मिल रहा है, तो जल्दी से हाँ बोल दे। मैडम, तो क्या बोलती रेशमा, तू अपने धंधे की ओपनिंग करने को तैयार है? जी हाँ मैडम, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। वेरी नाइस बेबी, अच्छा है तेरे को अकल तो आई। लेकिन बेबी, नो भागना एंड नो आजाद होने की ख्वाहिश करना। डोंट वरी मैम, ये छोरी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जो इसके साथ जा रहा हूं। लेट्स गो। मैडम, मेरे बारे में कब सोचोगी? हाउ नो दियो। चलो। हाय मिस्टर लामा। हाय शमशेर। माल पसंद आया? वेरी गुड वेरी गुड। ये रहा माल की कीमत और ये रहा तुम्हारा टिप। थैंक यू लॉर्ड। अच्छा मिस्टर लांबा, लड़की को भी खुश कर देना। व्हाई नॉट व्हाई नॉट, हम इसको भी अच्छा टिप देगा। थैंक यू। रेशमा इनको खुश कर देना। ओके बाय, गुड लक। इतने बेचैन क्यों होते हो? थोड़ा इंतजार करो। ओके ओके बेबी ओके। डार्लिंग, तुमने कपड़ा काय को नहीं निकाला? मेरे को शर्म आता है। आप अपना आंख बंद कर लेगा? श्योर श्योर। लांबा साहब, आंखें खोलिए ना। मिस्टर लांबा, क्या बात है? हमारा रिवॉल्वर लेकर हमारे सर पे मार के वो लड़की वन टू थ्री हो गया। मिस्टर लांबा, मैं देखता हूं उसको। ए, 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 ए,
अरे बर्मन जी सर, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वही सर जो आप कर रहे हैं। इडियट, अपने सीनियर ऑफिसर से इस तरह बात की जाती है? तो फिर कैसे बात की जाती है? देखो बर्मन, मेरा नाम कानून को है। मैं छोले भटूरे बेचकर थानेदार नहीं बना और तब से पुलिस में हूँ जब से तुम्हारी संज्ञा बुनियाद भी नहीं रखी गई थी। इसलिए मेरे सामने देरशाना बनने की कोशिश मत करना। सॉरी मैडम, तशरीफ रखिए। अब बताइए मैडम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम रेशमा है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया है। उनकी ये जिल्लत? जिल्लत नहीं सर, जुर्रत। अरे मैंने भी यही कहा था, तुम बहरे हो। जब तक मुझसे कोई जुमला गलत ना हो जाए बीच में नहीं टोकना। ओके सर। अच्छा अब तुम 9-2-12 हो जाओ। 9-3-12 नहीं सर, 9-2-11। मैंने भी वही कहा था, तुम बहरे हो। और सुनो, जब तक आप कोई गलत लफ्ज ना बोले मैं आपको ना टोकू। गेट आउट। कौन है वो गंदे लोग जिन्होंने आप जैसे फूल को कीचड़ में फेंकने की कोशिश की? पहला तो विक्रम उर्फ विकी, जिसने मोतीपुर गांव में मुझसे शादी की और शहर लाया और किसी गैर इंसान के साथ मेरी सुहागरात करवा दी। काश वो गैर आदमी मैं होता। जी क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कौन था वो दूसरा आदमी? डीडी सेठ, जो हमेशा बड़ी रकम देकर कुंवारी लड़कियों की इज्जत लूटता है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर विक्की ने मुझे मैडम जेसिका के हाथों बेच दिया। जानता हूँ मैडम जेसिका को, बड़ी ही हलकड़ औरत है। फिर आगे? और जब मैंने धंधा करने से इनकार कर दिया तब रो मत, आगे बोलो। तब उसके पालतू गुंडे शमशेर सिंह ने मेरे साथ जबरदस्ती मुंह काला किया। ये तो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। फिर आज जेसिका ने मुझे शमशेर के साथ एक ग्राहक के पास भेजा और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वहां से सीधा भागकर यहां आ गई। ठीक है, आप घबराइए मत, इन चारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भगवान। यस सर। मैडम की रिपोर्ट अच्छी तरह से लिख लो, जब तक रिपोर्ट पूरी हो जाती है मैं रेस रूम से वापस आता हूँ। ओके सर। नाम क्या है? रेशमा। पता? 24 गुलमोहर। क्या करती हो? गांव से शादी करके यहाँ आई, अब क्या करती हूँ पता नहीं। क्या हुआ? बर्मन रिपोर्ट लिख ली? यस सर। आइए मैडम। ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो जेसिका का अड्डा नहीं है। घबराइए नहीं मोहतरमा, मैं आपको काट नहीं खाऊंगा, बस कुछ बातें आपस में तय करनी है। ये क्या कर रहे हैं, कपड़े क्यों उतार रहे हैं आप? मैडम जो बातें मुझे करनी है वो इस वर्दी में नहीं कर सकता। देखिए मैडम, मैं आपकी कंप्लेंट पर इनको गिरफ्तार कर सकता हूँ। इनके हाथ बहुत लंबे हैं, कई मंत्रियों की छत्र छाया भी इनके ऊपर है। तो क्या आप उन बदमाशों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? ये मैंने कब कहा कि मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा? मेरी नौकरी के वांदे भी हो सकते हैं, इसके बदले तुम मुझे क्या कीमत दोगी? कीमत मैं क्या दे सकती हूँ? आपके पास जो हुस्न और जवानी का अनमोल खजाना है उसमें से थोड़ा हमको दोगी तो कुछ कमी नहीं होगी। मैं तो आपको एक शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन आप भी। मैडम कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप आराम से सोच के जवाब दीजिए। नहीं रेशमा, ये पुलिस वाला भी एक शैतान है, इसके बहकावे में मत आना। मेरी नौकरी के वांदे भी हो सकते हैं, इसके बदले तुम मुझे क्या कीमत दोगी? लेकिन अगर तूने थानेदार की बात नहीं मानी तो वो लोग फिर तुझे वेश्या बना देंगे।
कहाँ है मैडम जेसिका? जी वो अंदर पूजा कर रही हैं। जाओ उसे बुला कर लाओ वरना हम उसकी पूजा करेंगे। कितने बार बोला है डिस्टर्ब मत करो। मैडम क्या है? ओह अच्छा तुम जाओ। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को इंस्पेक्टर साहब। ये दोनों मुझे जबरदस्ती तवायफ बनाना चाहते हैं और इस शमशेर ने मेरे साथ जबरदस्ती बुरा काम किया। क्यों बेटा बहुत चर्बी चढ़ गई है? और मैडम जेसिका तुम भी बहुत ऊंचा उड़ रही हो। अब देखना ये कानून को तुम दोनों के साथ क्या सुलूक करता है। नो आंखें दिखाना नो धमकी देना सिर्फ हफ्ता लेना और कल्टी हो जाना। ये क्या इंस्पेक्टर साहब आप इसे हथकड़ी लगाने के बजाय इसकी दी हुई रिश्वत ले रहे हैं? हाँ रेशमा मैडम ये थानेदार भी मैडम की शतरंज का एक मोहरा है। इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ। याद रखना तुझे मेरी बद्दुआ तबाह और बर्बाद कर देंगी। बद्दुआ बाद में देना मैडम पहले इन तस्वीरों को देख लो। क्यों क्यों किया इंस्पेक्टर कानूनगो तुम्हें तो बड़ा सॉलिड काम कर दिखा। अगर इस बुलबुल की कुछ ऐसी ही तस्वीरें पहले आप ले लेती तो ये आपके पिंजरे से कभी उड़ नहीं सकती थी। हाँ इंस्पेक्टर तुम ठीक ही कहते हो। थैंक यू। शमशेर इसे ले जाओ। जज साहब यही है वो मैडम जेसिका जो भोली भाली लड़कियों को खरीद कर वैश्या बनने पर मजबूर कर देती है। चुप कर बेशरम। जज साहब सारा शहर जानता है कि मैं महिला उद्धार केंद्र चलाती हूँ और मैं महिला के भलाई के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये औरत झूठों की सरताज है मिलॉर्ड और वो उसका पालतू कुत्ता शमशेर सिंह जो किसी कमजोर लड़की का इनकार सुनने के बाद उसे भेड़ियों की तरह नोच कर उसका बलात्कार कर डालता है। जुबान को लगाम दो मैडम। लगाम तो तुझे देनी चाहिए दरोगा। तू तो वर्दी पहनकर वर्दी का अपमान करता है। तूने भी तो रेशमा की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया था। हाँ तो मुलजिम नताशा अदालत ये जानना चाहती है कि आगे क्या वाकयात पेश आए। सर मैं मैडम जेसिका के दर से माल की डिलीवरी लेकर आया हूं। कैसी लगी सर? ओके मिस्टर तुम इस लड़की को छोड़कर बाहर जा सकते हो लेकिन सर हम लोग पेमेंट तो एडवांस में लेते हैं पूरे 25,000। हम भी बिना एडवांस ये कुछ नहीं खरीदते। ये लो तुम्हारी हड्डी। हड्डी हड्डी तो कुत्तों को दी जाती है सर। खैर कोई बात नहीं नोट छप रहे हो तो आप उनको कुत्ता बनने में कोई हर्जा नहीं। सर ये मेरा टिप खुश कर देना। लो शराब पियो। सॉरी सर
मैं शराब नहीं पीती। ओ, मैं तो भूल ही गया था, भला शराब शराब को कैसे पिएगी। ये लो। अब आ भी जाओ ना, क्यों टाइम पास कर रहे हो? जल्दी से कपड़े उतारो ना। माफ करना, मैं सचमुच बेशर्म हो गई हूँ, लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं थी। मेरे अंदर भी वही शर्म थी जो एक हिंदुस्तानी लड़की में होती है, लेकिन समाज के भेड़ियों ने मुझे बहुत बुरी तरह से नोचा खसोटा और मेरे अंदर से शर्म का जेवर उतार कर फेंक दिया। मेरी सॉरी रेशमा, मैं समझ गया, तुम बहुत गलत लोगों के बीच में फंसे और इसलिए गुनाह की जिंदगी गुजार रही हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सबसे अनमोल दौलत तो मेरी इज्जत थी जो लुट गई। अब अगर मैं इस धंधे को छोड़ दूं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं रही कि शराफत की जिंदगी जी सकूं और अपना घर बसा सकूं। रेशमा, तुम अगर चाहो तो जा सकती हो। आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपने तो मैडम को मेरी कीमत दी है और मुझे टिप तक दे दी। रेशमा, ये पैसे मैंने अय्याशी के लिए नहीं दिए, सिर्फ थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताने के लिए दिए हैं, तुम्हारी कंपनी के लिए। तुम उससे कुछ बातें कर लो, मेरा वक्त कट जाए, मेरे लिए काफी होगा। सेठ जी, लगता है आप भी मेरी तरह चोट खाए हुए हो। ऐसा तुम्हें क्यों लगा? क्योंकि एक चोट खाया हुआ इंसान दूसरे चोट खाए हुए इंसान को बहुत जल्द पहचान लेता है। वैसे मुझे पूछने का तो हक नहीं, लेकिन आप अपना दुख मुझे बता दें तो आपके दिल का दर्द कम हो जाएगा। बताऊंगा, मेरी बीवी जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की, और जब मैंने उसके साथ झगड़ा किया तो कोर्ट के जरिए उसने मुझसे तलाक ले लिया। समझ गई सीट, आपको आपकी बीवी बहुत याद आती, इसलिए आप दुखी रहते हो, है ना? अरे भुला दो ऐसी बेवफा बीवी को, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने अपने कमीने पति को भुला दिया। तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया? हाँ सेठ, उसने तो सुहागरात वाले दिन ही पराए आदमी को मेरे साथ सुला दिया और बाद में मैडम जेसिका के अड्डे पर बेच दिया। तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ? छोड़ो ना सेठ, मैं तुमको तुम्हारे रुपए वापस करती हूँ। एक मिनट, ये पैसे तुम प्लीज एक दोस्त का नजराना समझ के अपने पास रख लो। दोस्त? क्यों मजाक करते हो सेठ, कोई शरीफ आदमी किसी रंडी को दोस्त नहीं बनाता। लेकिन मैं तुम्हें आखिरी सांस तक अपना दोस्त मानता रहूंगा। सच? और तुम मुझे सेठ नहीं, सिर्फ कुमार कहोगी। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जेसिका के अड्डे पर छोड़ाता हूँ। ओके, चलो। आई एम सॉरी रेशमा, मैं समझ गया, तुम गलत लोगों के बीच में फंस गई हो और इसलिए गुनाह की जिंदगी गुजार रही हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? रेशमा, ये पैसे अय्याशी के लिए नहीं दिए, सिर्फ थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ गुजारने के लिए दिए। तुम मुझसे कुछ बातें कर लो,
मेरा वक्त कट जाए मेरे लिए काफी होगा। मेरी बीवी ने जिसे मैं बहुत प्यार करता था उसने मेरे साथ बेवफाई की। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ धोखा किया? ये पैसे तुम प्लीज एक दोस्त का नजराना समझकर अपने पास रख लो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी सांस तक अपना दोस्त मानता रहूंगा। अब तुम सेठ नहीं, मुझे सिर्फ कुमार कहोगे। हेलो, नारी उद्धार केंद्र। ए यू चीट। अबे दल्ले, किसको चीट बोला रे? अरे मैडम जेसिका, मैंने आपको चीट नहीं कहा। यहाँ एक औरत खड़ी है, मैंने उसे चीट कहा। आप तो निहायत ही शरीफ औरत है, इसलिए बार बार कुमार आपको फोन करता है। आहा, तो कहिए कुमार साहब, कैसे हैं आप? आपको हमारा माल पसंद आया कि नहीं? पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो आपको ऑर्डर दोबारा प्लेस कर रहा हूँ। तो कहिए कब भेज दूं? अभी और इसी वक्त। अच्छा तो ठीक है, तो मैं शमशेर के हाथों भेज देती हूँ। उस चमचे के हाथों उसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे वापस छोड़ दूंगा आपके पास। ओके, ऑल राइट, नो गड़बड़ नो प्रॉब्लम। नो गड़बड़ नो प्रॉब्लम, गॉड प्रॉमिस। मेरी दोस्ती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। क्यों? इससे आप बदनाम हो जाएंगे, लोग आप पर कीचड़ उछालेंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें एक दूसरे की दोस्ती तोड़ देनी चाहिए? जी हुजूर। अच्छा तो एक काम करते हैं, आज से दोस्ती का ये रिश्ता तोड़ देते हैं और एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। नया रिश्ता? कौन सा रिश्ता? मियां बीवी का रिश्ता, दूल्हा दुल्हन का रिश्ता। इतना बड़ा मजाक मत कीजिए कुमार साहब, देखिए ना आपके इस मजाक से मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब से जिंदगी ने मेरे साथ मजाक किया है मैंने सबके साथ मजाक करना छोड़ दिया है। मैं तुम्हें वाकई अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। मुरझाए हुए फूलों में खुशबू नहीं होती कुमार साहब। तुम क्या हो मुझे अच्छी तरह पता है, तुम सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैडम जेसिका बनेगी। मैडम जेसिका को हैंडल करना मुझे अच्छी तरह आता है, डोंट वरी। कुमार साहब, हमारा तो नसीब ही खुल गया। वो कैसे? सुदामा के घर जो कृष्ण आए हैं। लेकिन मैडम जेसिका, मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। नो जोक करना, नो मस्करी करना। कुमार साहब, देने वाले तो आप हैं, मांगने वाले तो हम हैं। मैडम जेसिका, आज आप देंगी और मैं लूंगा। उस चीज का नाम तो बताइए जो आप हमसे मांगना चाहते हैं। आप रेशमा को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सॉरी मिस्टर कुमार, मैं रेशमा को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं जानता था तुम पैसा चूसने वाली वो जोंक हो जो बिना कीमत लिए रेशमा को आजाद नहीं करेगी। बोलो कितनी कीमत चाहिए, 5 लाख, 10 लाख? मिस्टर कुमार, रेशमा सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर मैं मुर्गी आपको दे दूं तो सोने का अंडा देगी कैसे मुझे? मैं तुम्हारे नाम एक ऐसी रकम लिख सकता हूँ जो तुम और तुम्हारी सात पुश्ते रोज सोने का अंडा खा सकते हैं। और वो रकम कैसी है? 25 लाख के बारे में क्या ख्याल? लेकिन ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। ए छोरी, नो होशियारी नो दादागिरी। कुमार साहब लाइए 25 लाख। नहीं कुमार, मैं भिकाऊ नहीं बनना चाहती। अगर तुमने मैडम को पैसे दिए तो जिंदगी में मुझे कभी नहीं पा सकोगे। मुझे पाना है तो कोई और रास्ता ढूंढो। ये क्या रास्ता दिखाएगा? अपने यार को पाने के लिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। कुमार साहब, दरवाजा उधर है, आप जा सकते हैं। समझ गया ना राजू तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल समझ गया सेठ, ये चिट्ठी रेशमा दीदी को पहुंचानी है। लेकिन किसी को पता ना चले? किसी को पता नहीं चलेगा। शाबाश, ये लो तुम्हारा इनाम। जाने मन, तुमने मुझसे कहा था कोई और रास्ता सोचने के लिए, तो वो रास्ता मैंने सोच लिया। बड़ा खतरनाक रास्ता है, लेकिन हमारी मोहब्बत की कामयाबी के लिए
तुम्हें और मुझे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने फैसला किया है कि आज रात हम दोनों यहां से कहीं और चले जाएंगे, जहां हमें एक दूसरे से जुदा करने वाला कोई ना हो। मैं आज रात ठीक 12 बजे मैडम जेसिका के अड्डे के पिछवाड़े तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिर्फ तुम्हारा कुमार। वो देख रेशमा भाग रही है। चल चल जल्दी चल। फिर रेशमा को कुछ मछुआरों ने समुद्र से निकाला और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तब मुझे किसी ने रेशमा के बारे में खबर दी और मैं भी हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन तब तक रेशमा मौत की सरहद तक पहुंच चुकी थी। फिर भी रेशमा ने मुझे वो सब कुछ बताया जो उसके साथ बीती थी। जज साहब, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया, तब मैं बदले की आग में जलने लगी और मैंने तब एक मास्टर प्लान बना लिया। मैडम नताशा, तुम्हारा सिस्टर रेशमा का सैड स्टोरी सुनने के बाद हमारा दिल साफ हो गया। थैंक यू मिस्टर लांबा, यू आर ग्रेट। नो मैडम, आई एम नॉट ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। आखिर चाहती क्या हो तुम? मिस्टर लांबा, मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरी बहन रेशमा की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और इस मिशन को पूरा करने के लिए मैं आपसे कर्ज के तौर पर मोटी रकम लेना चाहती हूँ। लांबा साहब, हम तुमको कर्जा जरूर देगा, लेकिन टाइम टू टाइम उसका ब्याज तो देगा ना। ब्याज अभी ले लीजिए, चलिए कमरे में। वेल डन, वेल डन मिस्टर गोपीचंद जासूस। कदरदानी का शुक्रिया मैडम। मैडम, ये तो एक मामूली गुंडे वो शमशेर सिंह की फाइल है। अगर आप मुझे डाकू रामकली की फाइल लाने को कहती ना, तो मैं वो भी आपके सामने पेश कर देता। क्या यही शमशेर सिंह की बहन सुमित्रा है? यस मैडम, टॉप की मॉडल है। लेकिन तुमने तो उसे मेरे पास लाने का वादा किया था। मुझे अपना वादा याद है मैडम, लेकिन पहले आप अपना वादा तो पूरा कीजिए। मैडम, ये मेरा पार्टनर टोपी चंद है, और मैं दूसरों को टोपी पहनाने में एक्सपर्ट हूँ मैडम। टोपी ये क्या जबरदस्ती है? मुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया है? रिलैक्स बेबी रिलैक्स, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। गोपी चंद। यस मैडम। सुमित्रा को अंदर ले जाओ। ले चलो टोपी। चलिए चलो टोपी चंद की टोपी पहनने। हाँ, मैं शमशेर सिंह बोल रहा हूँ। मुझे मैडम नताशा कहते हैं। आपकी मैडम जेसिका की तरह मैंने भी एक महिला आश्रम खोल रखा है। तो मैं क्या करूँ? मैंने सुना है तुम जंगली बकरियों के सिंग तोड़कर उन्हें दुम हिलाने वाली पालतू बकरी बना देते हो, क्या यह सच है? आखिर मर्द का बच्चा हूं मैडम, लेकिन मेरी तारीफ आपसे किसने की? ये मत पूछो। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मेरे पास भी एक ऐसी ही जंगली बकरी है जो किसी भी तरह काबू में नहीं आ रही है। तो आप चाहती हैं कि मैं उसे आपके मतलब की चीज बना दूं? ठीक है, पर रोकड़ा कितना दोगी? 10,000। बहुत कम है मैडम। सोच लो, आम के आम, गुठलियों के दाम। ओके, कब करना है मुहूर्त उसका? आज रात को। मेरे आश्रम का एड्रेस नोट कर लो। 36 ओके मड आइलैंड।
ठीक है, मैं पहुंचा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखना टोपी, एक दिन सारे अड्डे अपने होंगे और हम होंगे टॉप के दलाल। क्या? कैसे हो मिस्टर टार्जन? टार्जन क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे यहाँ मैडम नताशा ने बुलाया है। अरे तो ठीक है, हम उन्हीं के तो प्यादे हैं। मैं हूँ गोपीचंद, ये है टोपीचंद, और हम आपको भी टोपी पहना देंगे। क्या मतलब है तुम्हारे टोपी पहनाने से? मतलब हम आपको मैडम के अड्डी पे पहुँचा देंगे। अच्छा अच्छा, इट्स वेरी सिंपल। चलो आइए। टार्जन साहब, बुरा नहीं मानिएगा, हम एक छोटी सी तकलीफ देंगे आपको कि आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। प्लीज ना मत बोलना। बांधो, लेकिन अगर मेरे साथ कोई लोचा किया तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अरे नहीं 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 टार्जन साहब, आपके साथ कोई लोचा नहीं होगा। दरअसल क्या है, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, आपसे भी ज्यादा। बांधो टोपी, बांधो, जल्दी बांध, जल्दी बांध। अरे आराम से बांध, आहिस्ता। आइए आइए। अरे मुझे, अरे अरे, कहाँ गए भाई? अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया सांड को। अरे मेरे भाई, बहुत भारी है यार, नहीं छोड़ूंगा इस सांड को। अबे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? पहुंच गए, अभी पता चल जाएगा। आइए। कौन हो तुम? मैडम नताशा। वो छोड़ो, शमशेर सिंह यही है वो लड़की। इसके नोकीले सिंह तुम्हें तोड़ने हैं। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए मैडम नताशा, इसके कसबल तो अभी सीधे कर देता हूं। डार्लिंग, भाई रोना बंद करो ना, अच्छी चीज लाए हो यार, अपनी शक्ल तो दिखाओ। ऐसा भी क्या? सुमित्रा, तुम यहाँ? ये बहन है मेरी। तेरी बहन है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तो ये लड़की मेरे लिए नोट छापने की मशीन बन गई है। यू चीट, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई इसे किडनैप कराने की? तूने क्या किया था? तूने भी तो मेरी बहन का बलात्कार किया था और उसे धंधे में बिठा दिया। तेरी ये बदमाशी किस खाते में लिखी जाएगी? मैं थूक दिया तू जैसे भाई पर। तू जी भर के थूक लेना, पर फिलहाल मेरे साथ चलो। ये यहाँ से ऐसे कैसे जाएगी? अब तो इसका बलात्कार होगा, वो भी तेरी आंखों के सामने, बिल्कुल उसी तरह से जैसे तूने मेरी बहन रेशमा के साथ बलात्कार किया था। मैं देखता हूँ मेरी बहन को कौन हाथ लगाता है। ये नहीं काम अपन करेगा। तू पुष्पा नाम की ये लड़की डीडी सेठ की क्या लगती है? अरे मैडम, लगता है जो तस्वीर के बारे में मैटर टाइप किया है उसे आपने पढ़ा नहीं। साफ लिखा है कि पुष्पा डीडी सेठ की इकलौती बेटी है। क्या तुम लोग उसे मेरे पास किडनैप करके ला सकते हो? मैडम आप कहे तो हम आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं, मगर मगर क्या? क्योंकि कालू नाम का बॉडी बिल्डर पुष्पा के साथ 24 घंटे रहता है। हाँ, और वो बॉडी बिल्डर हमें पीट पीट कर चपाती की तरह चपटा कर देगा। कालू का कचालू मैं बनाएगा और पुष्पा को आपके सामने मैं पेश करेगा। डू इट मिस्टर लांबा, और इस ऑपरेशन के लिए
हैं। इन दोनों जासूसों को भी अपने साथ ले जाएं। मैडम मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। जाओ चलो। ए, चल ना। ये तो मुझे भी मरवाएगी। आजा टोपी संभल के। ये नंबर तो किसी जान पहचान वाले का नहीं लगता है। कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। हेलो, क्या मैं डीडी सर से बात कर सकती हूँ? जिस कन्या की आवाज इतनी सुरीली हो, भला उससे डीडी सेठ बात नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हाय, मैं मर जाऊंगा। प्लीज डार्लिंग, एक बार मुझसे मिलके जाना, फिर मरने की बात सोचना। ओके? देखिए सेठ, मेरा नाम है नताशा। मेरे पास पहली धार का माल है, एक ऐसा खट्टा मीठा फल जिसे अभी तक किसी ने नहीं चखा। मैं चखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सेठ जी, प्यासे को तो कुएं के पास आना ही पड़ता है। अरे मैं सर के बल चल के आने के लिए तैयार हूँ। फल है बड़ा महंगा, पूरे 50,000 खर्च करने पड़ेंगे। समझो कि दे दिए हमने 50,000 रुपए। अब जल्दी से ये बताओ कि मुझे कहाँ आना होगा। मैं बोलती जाती हूँ, आप मेरा एड्रेस लिखते जाइए। 36। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। डीडी सेठ, डीडी सेठ, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। लेकिन मैडम नताशा कहाँ है, जिन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है? अरे सेठ जी, वो घर पर बैठी आपका इंतजार कर रही है। आप अपनी कार छोड़ दीजिए और हमारी कार में बैठ जाइए। वेरी गुड, ऐसा ही करते हैं। अरे टोपी, आज मैं मैडम से डबल कमीशन लूंगा। मैं भी डबल लूंगा। मैं भी आसामी भाई हूं। आइए आइए, पकड़ पकड़ पकड़, आइए चलो अंदर। चलिए आइए, चलो आइए। डीडी सेठ, अब आपको एक छोटी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। भाई हसीनों के चक्कर में तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, बोलो क्या करना है? अच्छे बच्चों की तरह आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जल्दी से वो मीठा फल खिलाओ। डीडी सेठ, वो मीठा फल तो आपको नताशा मैडम ही खिलाएंगी। टोपी जी, पट्टी बांध। हाँ मानी, बांध भाई। जल्दी कर, जल्दी कर। ये मानी। आराम से, आराम से। आइए दीदी सर, टोपी लेकर हाँ लाता हूँ। अरे भाई ले चलो मुझे। चलिए। खोलो। अरे पट्टी तो खोल। खोलो टोपी। आई एम नताशा। ओ तो मैडम, क्या यही वो मीठा फल है जिसे मुझे चखने के लिए यहाँ बुलाया? जी हाँ। तो चख लूँ? और आपको बुलाया है किस लिए है? चाहिए। ओके। हम्म।
मिलो, ये तो मेरी बेटी है। हर वो जवान लड़की जिसे तुम खरीद कर अब तक अय्याशियां करते रहे, वो भी तो किसी की बेटी ही होगी ना। डैडी, मुझे नहीं पता था कि मेरे डैडी इतने लूज कैरेक्टर वाले हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। नताशा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरी बेटी को किडनैप करवाया? किडनैप ही नहीं, अब तो मैं उसे बेइज्जत करूंगी, वो भी तेरी नजरों के सामने। लांबा, पुष्पा, अब तुम अपने इस कमीने बाप के साथ जा सकती हो। टोपी, एक बात तो मेरी ध्यान से सुन ले। क्या? इस फाइल के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जरा सोच ना, टोपी पहन के, टोपी सोच। मैंने मेहनत की ना, तेरे से ज्यादा मेहनत की। तो इस फाइल का जो भी माल मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा कमीशन मेरा होगा। होगा 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 ना। अब कितना होगा पूछ? कितना? 80% मेरा और 20% तेरा। ओके? नहीं नहीं, 50-50 चल ठीक है। हाँ चलेगा। मैडम नहीं दिखाई दे रही है? टोपी कम या ये लीजिए मैडम, आपके तीसरे शिकार का पूरा कच्चा चिट्ठा। तो ये है कमला, मिसेस कानून को। हाँ मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो इस मिसेस कानून गो को आपका मेहमान बना दिया जाए। हरी अब गोपीचंद, जब तुम इसे अपना मेहमान बना लोगे तब मैं इसके पति देव से फोन पर हालचाल पूछूंगी। ओके मैडम, चल 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 गोपी। बर्मन जरा फोन देख ले। सर फोन देखा नहीं जाता, सुना जाता है। अरे मैं भी तो वही बोल रहा था, तू बहरा है क्या? जब तक कोई गलत लफ्ज ना बोलूं, बीच में टोकना मत, चल फोन उठा। काला चौकी पुलिस स्टेशन। जरा मिस्टर कानूनगो साहब को फोन देना। देवी जी, कानूनगो साहब बिजी हैं। इधर ना इडियट। सर आपने तो बोला था कि जब कोई भी फोन आए तो बोल देना मैं बिजी हूँ। अरे मैंने बोला था, मगर ये भी कहा था किसी मैडम का फोन आए तो फौरन मुझे दे देना। हेलो, कानूनगो स्पीकिंग। मिस्टर कानूनगो, फोन पर आने में इतनी देर करोगे फिर तो तुम्हारा गेम हो जाएगा। मेरा गेम हो जाएगा? मेरा मतलब है घाटा हो जाएगा। जरा खुल के बोलो मैडम, और साथ में अपने भाया डाटा भी बताइए। मेरा नाम मैडम नताशा है। मैंने आप जैसे बड़े लोगों के लिए आपके ही इलाके में एक महिला आश्रम खोल रखा है। कैसा आश्रम? तारू का अड्डा, चरस का अड्डा या जुए का अड्डा? मैंने वो अड्डा खोला है कि जिस पर आप जैसे मर्द कबूतर की तरह दाना चुगने आते हैं। हाँ समझ गया मैडम, समझ गया। समझ गए हैं तो ये भी समझ लीजिए कि इस अड्डे को आपकी छत्र छाया की जरूरत है। आप मेरा साथ देंगे ना? क्यों नहीं मैडम, क्यों नहीं, मगर सारी बातें फोन पे बता देंगी? जी नहीं, आज रात को 10 बजे 36 मड आइलैंड पर आ जाइए, हमारी बात भी हो जाएगी और गर्मा गर्म हसीना से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों, क्या ख्याल है? नोट भी छापिए और ऐश भी कीजिए। ओके मैडम, ठीक 10 बजे आपके बताए हुए अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। ओके मैडम, बाय बाय। रात को आपके यहाँ से जाने के बाद अगर घर से भाभी जी का फोन आ जाए तो मैं उनसे क्या बोलूँ सर? अरे बोल देना, सरकारी काम से बंदर मस्जिद गए हैं। बंदर मस्जिद नहीं सर, मस्जिद बंदर। अरे मैंने भी वही बोला, तू बहरा है। अरे आ गए। आइए 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 जमादार साहब। जमादार क्या बोलते हो? इनका मतलब है थानेदार साहब। सॉरी सॉरी थानेदार साहब, दरअसल क्या है, चमड़े की जुबान है ना, फिसल जाती है। आप अपनी इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ दीजिए और हमारी इस गाड़ी में चलिए, हम मैडम नताशा के प्यादे, मेरा मतलब चमचे। अच्छा चलो चलिए, अब तो ले चल चलिए। थानेदार साहब, मेरा मतलब कानून गो साहब, अब एक छोटी सी तकलीफ आपको दूंगा कि आपकी आंखों पर एक
पट्टी बांधी जाएगी। पट्टी? ये पट्टी का क्या चक्कर है? नाराज मत हो, ये दरअसल क्या है कि नताशा मैडम ना अपने अड्डे को गुप्त रखना चाहती है, इसलिए सबकी आंखों पर पट्टी बंधवा देती है। अच्छा अच्छा, तो बांधो भी। तो भी ये अरे जल्दी बांध। अरे बांधता हूँ। अरे कमला, कमला तुम, तुम्हें इतनी गंदी जगह पर कौन ले आया? जिसका पति खुद इतनी गंदी जगहों पर जाता हो, उसे अपनी पत्नी से ये सवाल करने का कोई हक नहीं है। देखा इंस्पेक्टर, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी ये बीवी इंटेलिजेंट है। देखो मैडम, काम की बात करो, मैं पूछता हूँ मुझे और मेरी बीवी को यहाँ क्यों लाया गया? तो सुनो, क्या तुम्हें वो मासूम लड़की रेशमा याद है जो तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आई थी, और तुमने मदद के बदले उसकी इज्जत लूट ली और वापस जेसिका के अड्डे पर कैद करवा दिया? मैडम नताशा, तुम्हारा रेशमा से क्या रिश्ता है? रेशमा मेरी छोटी बहन थी मिस्टर कानूनगो, जिसे तुमने और तुम्हारे साथियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकती हूँ कि मेरा पति इतना कमीना इंसान होगा। अब तुम्हारे इस कमीने पति को अपने कमीनेपन की कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब तेरे सामने तेरी बीवी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। लांबा। तो ये मैडम जेसिका की बेटी शिवानी है जो देहरादून के कॉलेज में पढ़ती है। यस मैडम, और आज ये शिवानी अपनी माँ से मिलने मुंबई आ रही है। लेकिन मैडम, उसे अपनी माँ से मिलने से पहले हम दोनों से मिलना पड़ेगा। हाँ गोपीचंद, उस छोकरी को जल्दी से मेरे पास उठा कर ले आओ, उसके बाद मैं उसकी माँ से निपटूंगी। हेलो, महिला उद्धार केंद्र। एक और नारी का उद्धार कर दो मैडम जेसिका। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, कहीं पुलिस के जासूस तो नहीं? अरे पुलिस की जासूसी में इतनी कमाई कहाँ, जितनी लड़कियों की दलाली में है। अच्छा, तो तुमने दलाली की दुकान खोली है? जी हाँ, मेरी दुकान की पहली ग्राहक बनना पसंद करोगी? इसका फैसला तो मैं माल देखने के बाद ही करूँगी। क्या तुम अपने माल की डिलीवरी मेरे अड्डे पे दे सकती हो? लेकिन मैडम, मैं चाहती हूँ मेरी दुकान की ओपनिंग आपके मुबारक हाथों से हो। जरूर, अपना नाम पता बताओ। मेरा नाम नताशा है, और मेरा पता लिखने के लिए कागज कलम उठा लीजिए। 36 मडालिन। ठीक है, तुम्हारे दिए हुए पते पे मैं एग्जैक्टली 8 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू मैडम। हाँ, नो लेट होना, नो गोल्डन चांस खोना। साली मेरे स्टाइल में बोलती। मैडम जेसिका, वेलकम। ग्लैड टू मीट यू नताशा डियर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक नायाब हीरा पेश करूं। नेक काम में देरी कैसे नताशा, अगर हमको हीरा पसंद आ गया तो हम मुंह मांगी कीमत देंगे। शिवानी बेबी, तुम कौन लाया इसे इधर? हम उसका जूस निकालेगा। You cheat, if I can kill you. नो चीखना, नो चिल्लाना मैडम जेसिका, चुपचाप देखते रहना। मेरी बेटी को कटर में गिराने की तुमने हिम्मत कैसे की? जिस तरह तुमने मेरी बहन रेशमा को कटर में डालने की हिम्मत की। नताशा, छोड़ दे मेरी बेटी को। खबरदार जो मुझे बेटी कहा तू। मैडम नताशा ने मुझे आपका असली चेहरा दिखा दिया है। ये झूठ बोलती है। तुम झूठ बोलती हो, मैं थूकती हूँ तुम पर। नहीं बेटे, तू कुछ नहीं जानती, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। तू घर चल, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। बता देना,
पहले अपनी कली को फूल बनते हुए तो देख ले। लांबा बेचारी बड़ी शर्मदार थी। नहीं, नहीं। अच्छा तो ये विक्रम सिंह की बहन माधुरी है? यस मैडम, शी इज अ टॉप मॉडल। काश इस लड़की से कोई शादी करे और उसे कोठे पे बेच दे। मैडम ये काम मैं कर सकता हूँ। शट अप, काम की बात करो। मैडम काम की बात ये है कि हमने इस मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। एक घंटे के अंदर अंदर ये मछली हमारे जाल में फंस जाएगी। फिर ठीक है, मैं विकी को ठीक एक घंटे बाद फोन करूंगी। ये तो साला कोई नई पार्टी लगती है, कोई ग्राहक भी तो हो सकता है। क्या बोलता है विकी सेठ? चल देखते हैं। हेलो, आपन विक्रम बोलता है, उधर कौन? मेरा नाम नताशा है। नताशा? अपुन को नहीं लगता अपुन ये नाम कभी सुने लाए और ना ही कभी तुमसे मिले लाए। हाँ, ये हमारी पहली मुलाकात है। तो ये पहली मुलाकात में अपुन तुमसे पूछ सकता है कि तुम अपुन को फोन काहे के लिए खिलाए? हाँ, मैंने सुना है तुम अभी तक कुंवारे हो और किसी शरीफ खानदान की लड़की की तलाश में हो। ये तुमको कौन बोला? मुझे पंडित शादीलाल मिले थे, उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया है। अच्छा अच्छा, शादीलाल, वो तो अपुन का बहुत जिगरी आ रहे हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसी लड़की है? मेरी सहेली है, उसे भी आप ही की तरह एक आइडियल पार्टनर चाहिए। अपुन के जैसा? क्यों? जी हाँ, तो आप उसे कब मिलना पसंद करेंगे? अरे अपुन तो अब पिच मिलना पसंद करेगा। ठीक है, आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए। एक मिनट। आपने 36 मेडालियन देखा? अच्छा, वहाँ पहुँच जाइए 8 बजे। ओके, अपुन ठीक 8 बजे पहुँच जाएगा। अभी रखता है क्या? आ गया। आदाब आदाब सलाम विक्की दलाल। ये क्या बकवास है? मेरा मतलब है विक्की दलाल, वो तो पंजाबी समझ में नहीं आती। वो ठीक है, पर तुम लोग कौन हो? हम मैडम नताशा के प्यादे हैं और आपको लेने आए हैं। प्यादे? प्यादे नहीं, प्यादे प्यादे, वो तो पंजाबी कभी समझ में नहीं आती। ठीक है चलो। अरे टोपी बिठा जल्दी गड्डी में यार। चलो। मिस्टर विक्की दलाल, अब एक छोटी सी तकलीफ देंगे, आपकी आंखों पर एक पट्टी बांधी जाएगी। वो क्यों? वो इसलिए कि मैडम नताशा नहीं चाहती कि उनके खुफिया अड्डे का पता किसी को चले। अगर ऐसी बात है तो बांधो टोपी। बांध जल्दी, ये जल्दी कर, टाइम नहीं है। मिस्टर गोपीचंद। यस मैडम। विकी साहब की पट्टी खोल दो। टोपी। हाँ गोपी। खोल। खोली। ये खोली। माधुरी। माधुरी, ये तो अपन की बहन है, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यही तो वो लड़की है जो अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश कर रही है। मुझे क्या पता था विक्रम सेठ ये तुम्हारी बहन है। मगर अभी तो मालूम पड़ गया ना ये अपुन की बहन है। खबरदार, जो मुझे तुमने अपनी बहन कहा, आज से मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। मगर अपुन से क्या गलती हुई है जो तू ये डायलॉग मार रही है? तेरे गुनाहों की लिस्ट तो बहुत लंबी है विक्रम सेठ। अरे तूने तो 4 मासूम लड़कियों से शादी की और उन्हें कोठे पर बेच दिया। एक झूठ मत बोल, नहीं तो अब भी अपुन तेरा गेम कर डालेगा। अरे जाजा दल्ले, तू क्या मेरा गेम बजाएगा? पहले तो मैं तेरा गेम बजा दूंगी और रेशमा के एक एक आंसुओं का गिन कर बदला लूंगी। रेशमा? उससे तेरा क्या रिश्ता है? रेशमा मेरी छोटी बहन थी। इस दुनिया में एक और कानून भी है विकी, खून का बदला खून, जान का बदला जान, और इज्जत का बदला इज्जत। क्या मतलब है तेरा? यही, तूने मेरी बहन रेशमा की इज्जत लुटवाई थी
आज मैं तेरी बहन की इज्जत लुटवाऊंगी और ये नेक काम करेगा लांबा। यस मैडम। आए नताशा तुम हो? जी हाँ, लेकिन क्या बात है? मैडम जेसिका, डीडी सेठ शमशेर सिंह और इंस्पेक्टर कानून गो ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। लेकिन आप मेरे अड्डे पर कैसे पहुँचे? हमारा पुलिस का मुखबिर आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा था जिसमें आपके आदमी विक्रम सिंह को लेकर जा रहे थे। चलिए। बस मिलोट, मुझे इतना ही बताना था, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप मुझे जो चाहे सजा दे मुझे मंजूर है, लेकिन इन पांचों को भी ना बख्शा जाए। मिलोट, मैडम नताशा ने रेशमा की अदालत को मनगढ़ंत कहानी सुनाई है, क्योंकि रेशमा का वजूद ही नहीं है, तो इन पांचों के खिलाफ कैसा केस? कोई सबूत है आपके पास? सबसे बड़ा सबूत खुद रेशमा है जज साहब। नताशा आखिर कहना क्या चाहती है? यही कि रेशमा जिंदा है और इसी अदालत में मौजूद है। कहाँ है रेशमा? रेशमा आपके सामने खड़ी है जज साहब। मेरी कोई बहन नहीं है जज साहब। इन पांचों से बदला लेने के लिए मैंने अपने आप को नताशा का रूप दे दिया। मिलाट, अगर ये मान भी लिया जाए कि यही लड़की रेशमा है, फिर भी ये साबित नहीं होता कि इन पांचों ने रेशमा को बर्बाद किया या रेशमा बेगुनाह है। क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करती हो रेशमा? जी हाँ जज साहब, मैं इन पांचों की तरह झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती। मुझ पर जितने भी इल्जाम हैं वो पत्थर की लकीर की तरह सच है। आज अदालत एडजर्न होती है और इस मुकदमे का फैसला अगली तारीख को सुनाया जाएगा। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा रेशमा के खिलाफ बलात्कार और हत्या के जो इल्जाम लगाए गए हैं वह सही हैं। यह अदालत दफा 302। ठहरिए जज साहब। अरे कमला, कमला जिंदा है? रेशमा के खिलाफ कोई भी फैसला सुनाने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। जब रेशमा ने कोई खून नहीं किया तो फिर उसे सजा किस बात की? हाँ जज साहब, हम पांचों में से किसी का भी बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से। आप सब लोगों ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो एक नाटक था, और इस नाटक में हम पांचों लड़कियों ने एक्टिंग की थी। माधुरी और जज साहब, रेशमा इस नाटक की डायरेक्टर थी, जो इन पांचों इंसानों को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अय्याशी करते वक्त कोई ये मत भूले कि आज जो जुल्म वो किसी और की बहू बेटी के साथ कर रहे हैं, वही जुल्म कल कोई उनकी बहू बेटियों के साथ भी कर सकता है। रेशमा तो देवी थी देवी। क्या अब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली? जज साहब, ये छोरी रेशमा रियल में ही बहुत ग्रेट है, इसने अपन की आंखें खोल दी
अपन कसम खाता है कि मरते दम तक अपन किसी छोरी की दलाली नहीं खाएगा। आपको जो सजा देनी है अपन को दो जज साहब, और रेशमा तुम अपन को कभी मत माफ करना। जज साहब, मैं भी अपने जुर्म का इकरार करता हूं और रेशमा के पांव छूकर उससे माफी मांगता हूं। जज साहब, रेशमा ने तो हमें माफ कर दिया है। रेशमा एक महान लड़की है, लेकिन आप और आपका कानून हमें कड़ी से कड़ी सजा दे, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। जज साहब, इस छोकरी की कुर्बानी देखकर आपको तो शर्म से पानी पानी हो गया। रेशमा, तू मुझे 100 कड़े मार। मैडम, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। फेब, नो रोना, नो आंसू बहाना, नो हम पे तरस खाना, जस्ट बेस्ट ऑफ। इस अदालत के इतिहास में यह एक दिलचस्प और अनोखा मुकदमा था, जिसमें इंसानी जज्बात का एक खूबसूरत पहलू हमने देखा। यह अदालत रेशमा को बाइज्जत बरी करती है, और इस कंप्लीमेंट के साथ कि देश को रेशमा जैसी बेटियों पे गर्व है। रेशमा, बाबा, अरे टोपी की।